17 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। हमारे एसडीएम रमेश बाबू उनके जो है पत्थरबाजी की वजह से उनको पांव में फ्रैक्चर आया था। उन्होंने 800 बलवाइयों के ऊपर जो है मुकदमा लिखवाया है। सीओ संबल उनके द्वारा उनके पांव में गोली भी लगी थी। उनको डीएम महोदय द्वारा एक कमेटी जिसमें एसडीएम संबल, ईओ संबल, सीओ संबल, इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में बताया गया था कि सर्वे कंडक्ट कराने का, पीसफुल सर्वे कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इनकी है। ये जब मस्जिद के पास में जब बलवाई जो है वो आगे बढ़ के उस सर्वे को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनके द्वारा भीड़ को मना किया गया और उनको ललकारा गया कि आप अपने अपने गंतव्य वापस चले जाइए। धारा 163 जो कि पहले 144 के नाम से जानी जाती थी वो लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इसमें फिर भीड़ की तरफ से फायर आया और वो सीओ साहब के पांव में भी लगा। सीओ साहब को बाद में अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा जो पांव में गोली लगी और भीड़ द्वारा मस्जिद में जाने के प्रयास पे उनके द्वारा जो है करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीएस स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पांव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे हमारे ऊपर जब ईंट से वहां पे घर की दो महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहां से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पांव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा, जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे कि ये दंगाई और बलवाई कौन थे। और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल में कल दोपहर के बाद से एकदम अच्छे से शांतिपूर्वक तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज सोमवार को दुकानें भी बंद ही है वैसे संभल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों ने अपनी दुकानें खोली है और इंटरनेट बैन है, वो इंटरनेट बैन जो है वो कल भी कंटिन्यू रहने के लिए मैंने डीएम महोदय से रिक्वेस्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि शांति व्यवस्था है वो इसी तरह कायम रहेगी। सर, जियाउर रहमान पुत्र ममलूक और रहमान ये यहाँ के निवासी हैं, थाना नकासा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर, पीएम रिपोर्ट में क्या पुष्टि हुई है, क्या भी मिला है उन लोगों से, मृतकों से? पीएम रिपोर्ट विवेचना का विषय है, ये विवेचक का प्रेरोगेटिव है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ये विवेचना पे समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। सर, जियाउर रहमान जिस वक्त कल हिंसा हुआ, सर जियाउर रहमान कल बेंगलोर में थे तो उनका नाम किस तरह से आया सर? कल जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहां से घटनास्थल पे जहां पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था, लेकिन हमारी पुलिस ने और प्रशासन ने साथ में कंधे से कंधा मिला के एक बहुत अच्छे सूझबूझ से इस जो पत्थरबाजों की मंशा थी उसको कंप्लीट नहीं होने दिया। उनकी इच्छानुसार उन्होंने सर्वे को रोकने का भरपूर प्रयास किया, सर्वे शांतिपूर्ण कंप्लीट हुआ जो कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार हो रहा था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी है शांति व्यवस्था कायम रहेगी और सभी पत्थरबाजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उन सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, कितने और अपराध कितने सर टोटल? कई जगह 700, कई जगह 800, जितने भी बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सबको पहचान में लाया जाएगा और उन सबको गिरफ्तार करके। सर, एक फैक्ट क्लैरिफाई कर दीजिए, जियाउर रहमान बर्क का आपने नामजद, ये कल की हिंसा में उनका नाम आया पूर्व में दिए गए बयान पर, क्योंकि कल वो बैंगलोर में थे जो सांसद है। किसी भी व्यक्ति का किसी भी जगह पे होने से उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उनके द्वारा जो दिए गए पूर्व में दिए गए बयान थे
और 168 BNS का उनको BNSS का नोटिस उनको भी तामील कराया गया था। उनके पिताजी को जो ममलूक उर रहमान है उनको 10 लाख के मुचलके से पाबंद भी करवाया गया था। इस तरीके के इन लोगों के द्वारा बार बार समय समय पर बयानबाजी की जा रही थी जिससे लोगों को है समय समय पर भड़काया जा रहा था। टोटल कितनी मौतें हुई हैं सर? अभी तक वर्तमान में 3 जो है लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। उन लोगों के जो दफन है उनकी कर दिया गया है और बाकी जो सूचना समय पर मिलती रहेगी बताते रहेंगे। एक व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट हुई है मुरादाबाद में, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद में पता चलेगा कि वो जनपद संभल में किस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हुई है। एक मिनट सब लोग शांत हो जाए, करते शुरू कर लो। शांत जाइए भैया, पहला प्रश्न पूछिए। कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो शुरू। सर, सब क्या स्थिति है संभल की वर्तमान समय में? कितने प्राथमिकियां हुई है, कितनी गिरफ्तारियां? कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी, पूरी टीम ऑन ग्राउंड है तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है। मोबाइल वाला नहीं मान रहा। सर, क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी हो रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेन किया जा रहा है सर? कल हमारे यहाँ जो DIO हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर, एक सवाल लेना चाहूंगा सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, पत्थरबाजी में शामिल थे, उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? क्योंकि काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर, जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतनी ही शांति से संपन्न हुआ और मैं कहूंगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और हथियार जिस तरीके से थे तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था कहीं एक जगह, ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी इनके अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए हैं? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल, बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। सर, नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाए जो डिटेन किए हैं? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या एक तो आपको दिखाया था ये चाकू, तो मैंने भी पहली बार देखा जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के
बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे अभी, हम केवल FIR की है और उसके बाद। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।